गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग नहा धो के बैठे हैं, अभी जाने वाले हैं मछली मार्केट। तो चलिए मछली मार्केट चलते हैं, वहां से आने के बाद दिखाएंगे कि कौन सी मछली लेके आए हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए। अरे बाबा माँ की बोलते हो तो ये वाला 25 इसका माची, ये वाला नहीं हो रहा है 25। एक दो तीन चार पाँच छः सात ट्रैक हैं। आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं मार्केट से घर पहुंचा हूं। देखिए कौन कौन सी मछलियां आई हैं, इसका तो मुझे नाम भी नहीं पता। ये मछली का नाम क्या है छोटू? पता नहीं। इस मछली का नाम है पता नहीं, सॉरी आई मीन सच में नहीं पता इस मछली का नाम क्या है, इसलिए नाम बता नहीं पा रहे। ये देखिए बेनाम बादशाह है ये, ठीक है। तो ये साफ हो रहा है। दो तरह की मछली आई है, एक और मछली जो लाई है उसका नाम क्या है? हाँ इसका नाम बताओ। पता है। इसका भी नाम नहीं पता। नाम तो है गाइस लेकिन नाम पता नहीं है। ये देख सकते हैं आलू कट रहा है, शायद आलू पड़ेगा इसमें मछली में। आलू पड़ेगा क्या कि अलग से बनेगा? आलू सारा मसाला रेडी हो चुका है और ये गैस पे चावल बन रहा है। ये आलू है, ये मिर्चा है, लहसुन अदरक है, प्याज है, नमक है, ये आरोही है, ये कच्चा आम खा रही है। तो गाइस अभी मैं बहुत थका हूँ, इतनी दूर से साइकिल चला के आ रहा हूँ, सॉरी थका हूँ, ठीक है। छोटी छोटी पॉइंट को नोटिस मत किया करो। ये हमारी आया भूसा खड़ी है, ये आया भूसा से हम लोग जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। इतना क्यों? कैसे बनाए तो वो नहीं दिखाने? हाँ वही शाम तक जो भी होता है सारा दिखाते हैं प्रोसेस, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। और ये देखिए लोबिया, इस लोबिया को हो गए 3 दिन लाए हुए। 3 दिन नहीं हुआ। हाँ 3 दिन नहीं हुआ। अभी इसमें से अच्छा-अच्छा निकालते हैं। कब लाए थे? शुक्रवार को शायद लाए थे, शुक्र या शनिचर, शनिचर। हाँ तो 3 दिन तो हो गए। देखिए 3 दिन हो गए हैं बिना फ्रिज के, ऐसे ही रखा था। मिर्चा ज्यादा डाल ली है कच्चा आम में, अभी सूसू कर रही है पर दिखा नहीं रही, जैसे मैं देख रहा हूँ। देखिए तुम्हें काम करो, ये अंदर एक झोला है, ये एक झोला है, वहाँ कुआं का पास ले जाओ, वहाँ पे नीचे मतलब पानी लेके दोनों झोला को खंगाल के डाल दो, एक अनुज का एक हम लोग का है। वो झोला 8-10 दिन हो गया। ओके तो गाइस ये सामने कुआं बना है, यहाँ पर हम जाएंगे अभी पानी निकालेंगे कुएं से, उसके बाद इस थैले को धोना है, ये वाले थैले को, और एक थैला घर के अंदर है उसी को धोना होगा। तो चलिए पहले थैला उठाते हैं। अच्छे से दो दो मग्गा पानी में ना। ये वाला थैला है एक। ऐसे करके
हटो, हटना रास्ते से। चलो हम दिखा रहे हैं। चलो इसमें लेके जाओ, दो बार खंगाल लेने, पहले एक बार पानी डाल देने खंगाल के निकाल के, फिर एक बार। तो देखिए गाइस, मछली फ्राई शुरू हो गया है। इसको फ्राई करने के बाद फिर इसकी जो सब्जी बनती है, सॉरी आप सब्जी कहते हैं या जो भी हो, लाल फ्राई करने के बाद जब ये मछली बनेगी तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो हम लोग तो फ़िलहाल फ्राई करके ही बनाते हैं, और काफ़ी लोग बिना फ्राई करे डायरेक्टली उसको मसाले में फ्राई करके उसके बाद सब्जी बनाते, सबकी अपनी पसंद है गाइस। तो ये आप लोग देख सकते हैं अभी मछली फ्राई हो रही है। तो गाइस मछली हमारी तैयार हो चुकी है, सारा खाना तैयार हो चुका है। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।